करके मेरी लता तो टूटिया नहीं जाता, मेरी लता फिर दीदी को रह गई। उठ के कमरे च गए ने, कुछ देर दे बाद आवाजा आई चीकां दी, असी नाल ही उठे हैं, नाल ही दरवाजा खोलिया ते कम आ रहा जे देखिया ते ना अजीम मेरी बेटी दा गला कट के ना ते बेड उत्ते बैठा सी। तीन दफा कटिया मेरे पुत्र ने मेरी धी दा, तीन दफा ते बेदर्दी ना पूरा घर ही शामिल है। बेटा मेरा कोई कमाना लड़ी है सरसी, मजदूर करता साढ़े घर कुछ नहीं गा, मेरी धी असी बेकार है गए, सानू किसी का सहारा नहीं गा, मेरी आवाज पहुंचाओ, मैनु इंसाफ मिले। मरियम नवाज तक मेरी आवाज पहुंचाना, कहती है कि मैं सारे बनागी, मैं घर घर सब कुछ देवगी, मैं जिथे जानी है मैं ठुडा मार देंगे। मरियम इस शादी के लिए एग्री थी, खुश थी? उन्हें कहा माँ प्यो जिथे तुम करोगे मैं खुश है। मैं बुआ तोड़ के अंदर गए, हिला के अंदर चले गए, वेख्या तजीम ने उनका गला कट चुका था, मरियम का बैड के उत्ते बैठा असी सजे हाथ उन्हें छुरी भी हैगी सी, छुरी भी उन्हें कोल सी। बेटा मेरा कोई कमाना लड़ी है सरसी, मजदूर करता साढ़े घर कुछ नहीं गा। मेरी लड़की की शादी, जिबा करना, माँ का रोना, जुलम पर जुलम ये कि फिर बाप को माजूर कर देना। उठ के कमरे च गए ने, कुछ देर दे बाद आवाजा आई चीकां दियां, असी नाल ही उठे हैं, नाल ही दरवाजा खोलिया ते कम आ रहा जे देखिया ते ना अजीम मेरी बेटी दा गला कट के ना ते बेड उत्ते बैठा सी। तीन दफा कटिया मेरे पुत्र ने मेरी धी दा, तीन दफा बेदर्दी ना पूरा घर ही शामिल है। बेटा मेरा कोई कमाना लड़ी है सरसी, मजदूर करता साढ़े घर कुछ नहीं गा, मेरी धी असी बेकार है गए, सानू किसी का सहारा नहीं गा, मेरी आवाज पहुंचाओ, मैनु इंसाफ मिले। मरियम नवाज तक मेरी आवाज पहुंचाना, कहती है कि मैं सारे बनागी, मैं घर घर सब कुछ देवगी, मैं जिथे जानी है मैं ठुडा मार देंगे। मेरे मीए का मजदूरी का कार्ड भी बने, हर चीज बनी, पर सानू कोई कुछ नहीं देता। बोला मैं कोठिया च कम कर, मैं कम करके मेरी लत्ता तो टुटिया नहीं जाता, मेरी लत्ता फिर दीदी को रह गई ना पता की जगह है, हिम्मत जवाब देगी मरियम लड़की जिसकी वालिदैन ने अपने रिश्तेदारों में शादी की, अल्हम्दुलिल्लाह बेहतरीन ये शादी हुई। पूरा मोहल्ला जो है वो मरियम की गवाही देता है कि मरियम बहुत अच्छी, बहुत प्यारी, बहुत खूबसूरत और बहुत सुगढ़ लड़की थी। शादी के 6 दिन के बाद मरियम को ज़िबाह कर दिया गया। वालिदैन को भी मुबारकों का सिलसिला जारी था कि बेटी की यह खबर आ गई। इस पर हम आवाज बने इस फैमिली की और आवाज आप तक पहुंचाई। अब इस बात को भी तकरीबन 2 साल का वक्त गुजर चुका है। माँ और बाप आज तक रो रहे हैं। बाप बिस्तर पर है, माजूर कर दिया गया। पुलिस ने क्या किया, अब क्या सिचुएशन है, ये हम वालिदा से बात करेंगे, इनकी आवाज बनेंगे, इनके लिए दुआ करेंगे और आप तक आला हुकाम तक पहुंचाएंगे। हो क्या रहा है, नेवर अगेन मुहिम चल रही है मरियम नवाज साहिबा की। लड़की की शादी, जिबा करना, माँ का रोना, जुलम पर जुलम ये कि फिर बाप को माजूर कर देना। क्यों ये माँ क्यों रो रही है, ये क्यों रो रही है लगातार? अभी मैंने कोई सवाल नहीं इनसे किया, अभी मैंने कोई बात नहीं इनसे की है, लेकिन ये रो रही है क्योंकि इसको अपनी बेटी का दुख है। इनसे हम बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम माँ जी। वालेकुम सलाम मेरा पुत्र। माँ जी कितने बच्चे हैं? मेरे 2 बेटियां हैं। 2 बेटियां और बेटे? बेटा नॉर्मल है, वो मेरे पास नहीं है, वो छोड़ के चला गया हुआ मुझे, वो चला गया। अच्छा 2 बेटियां, एक मरियम जो अल्लाह को प्यारी हो गई, और सिद्रा कितनी एज है? सिद्रा होगी 22 साल दी, बस छोटी है वो भी, पढ़ती है। बेटा मेरा कोई कमाना लड़ी है सरसी, मजदूर करता साढ़े घर कुछ नहीं गा, मेरी धी असी बेकार है गए, सानू किसी का सहारा नहीं गा, मेरी आवाज पहुंचाओ, मैनु इंसाफ मिले। मैं कचहरियां दे धक्के खानी हाँ, उन्होंने मार के दूसरी दफा मारिया गया, एक दफा पहले मारिया गया है, एक्सरे देख पहले इन्नी लत दे विच ऑपरेशन होया है, पहले भी ओही लत फिर मजबूर कर दी गई। मैं इनसे खुद बात करूंगी, मैं बकायदा इनकी आवाज बनूंगी। मुझे ये बताएं आप के मरियम की जो FIR दर्ज कराई गई थी थाने में, मरियम के मुलजिम पकड़े गए? हाँ पकड़े गए थाने। कितने मुलजिम? मुजरिम 2। 2 मुलजिम पकड़े गए जो नामजद थे। चला गया था, एक ने जमानत करा ली थी अपनी
और वो बेल पे बाहर चला गया, ठीक है। उसके बाद हमारे बयान रिकॉर्ड हुए हैं, उसके बाद वो ना दफा 34 उस पर जब लगी है तो उसके बाद वो भाग गया, वो नहीं है बीच में, वो आता ही नहीं अब्दाल कचे। और दूसरा अंदर है, उस पर 302 है, ठीक है। उस पर जो थाने वालों ने हमारे साथ अच्छा सलूक किया, बुरा नहीं किया मेरा बेटा, मैं किसी के ऊपर इल्ज़ाम नहीं लगाऊंगी। काकड़ इम्तियाज ने मेरा पूरा साथ दिया, उस थाने ने मेरा पूरा साथ दिया मेरा बेटा, मेरे साथ कोई धोखाबाजी नहीं उन्होंने की। उन्होंने मुजरम पकड़ा है, मुजरम को दफा वो 302 लगा दिया उसने, ठीक है। मुझे इंसाफ चाहिए, मेरे घर कुछ नहीं गा मेरा पुत्र। मरियम नवाज तक मेरी आवाज़ पहुँचाना, कहती है कि मैं सारे दस बनागी, मैं घर घर सब कुछ देवगी, मैं तो जिते जानी हूँ मैंने ठुडा मार देंगे। कहते नहीं कुछ नहीं गा, मेरे मीए का मजूरी का कार्ड भी बने, हर चीज़ बनी, पर सानू कोई कुछ नहीं देता, साड़ी कोई नहीं सुनता। कोई नहीं, कहीं पर अप्लाई किया है? मैं बड़ी दफा अप्लाई किया, मैं तो अज भी गई हूँ। उन्होंने कहा तेरे वास्ते कुछ नहीं गा, जा। कहाँ पर गई थी आज आप? मोड़ पे जाके क्या मतलब, कोई आई डी कार्ड दिखाया था क्या? आई डी कार्ड ए पे ने मेरा पुत्र, मैं तेन दिखानी हाँ, ठीक है। उन्होंने कहा नहीं बीबी तू जा, उन्होंने कहा कि कोई चक्कर नहीं है? कोई चक्कर नहीं, उन्होंने कहा तुम जाओ, नहीं है। उन्होंने कहा कुछ नहीं है, जाओ तुम, कुछ नहीं है। अब मेरे पास इनते लाने वास्ते कुछ नहीं है मेरा पुत्र, ना मैं कुछ दे सकनी है। मैं तो ना काम करके अपना केस लड़नी पी, मैं काम करनी है। मैं तेन क्यों झूठ बोला, मैं कोठियाँ काम कर, मैं काम करके मेरी लत्तें तो टुटिया नहीं जाते, मेरी लत्तें फिर दीदी रह गई, तेरा कोई सारा नहीं गा, अल्लाह की जात तो बाद कोई भी नहीं गा। तो यह कहते ने असं सुनने तो साढ़े भी सुन, क्यों नहीं सुनते, किस तरह सुनते ने, सुन ना साड़ी आवाज भी कोई सुने फिर पुत्र। मेरे को कुछ नहीं होंगे, मेरे को काम करना मुश्किल हो गया। मुलजिम का क्या कहना था, आखिर क्या गुनाह था नई नवेली दुल्हन का, जिसके हाथों से अभी मेहंदी नहीं उतरी, जिसकी बाजुओं से अभी चूड़ियां नहीं उतरी? तीन दफा कटे मेरे पुत्र ने मेरी चीज का, तीन दफा बेदर्दी ना पूरा घर ही शामले, लेकिन मैंने पूरे घर को नहीं, मुझे मुजरम मिल गया। मेरी गल सुनो, हूँ सजा दवाना इन्हों का कम, मेरे ना तावन भी कुछ करे। तीन दफा गला कैसे मतलब काटा, किस किस ने, साथ कौन था? छुरी के साथ, छुरी के साथ काटा है मैंने, हाँ। वजह? सास किधर थी, देवर जेठ कहाँ थे? ढाई महल्ले का घर है, कहते हम सोए हुए थे। जब बच्ची ने आवाज नहीं निकाली, कह रहे हम तो सोए हुए थे, कहते सुते सन नहीं पता की हुए। अच्छा, ये कहते हैं कि हमें कोई आवाज नहीं आई, हमें कोई आवाज, हम साथ वाले घर में बैठे हुए थे, मैं थी, मेरा मियाँ था, मेरे साथ वो मेरा भतीजा डोगर था, ठीक है। मेरे पास से उठ के ये अंदर गए हैं, साढ़े कोल बैठे सी, उठ के कमरे च गए ने, कुछ देर दे बाद आवाजा आई हैं चीकां दियां, असी नाल ही उठे हैं, नाल ही दरवाजा खोलिया, धिक्का मारिया, जे देखिया तो ना अजीम मेरी बेटी का गला कट के ना तो बैठ देते बैठा, अजीम आपका दामाद, वो गला काट के उसके ऊपर बैठा हुआ। अच्छा। तो फिर पुलिस को ऐसे जैसे बताया, फोन किया, वो आए, उन्होंने उनके हवाले हमने किया, लेकिन बलादा सन तो इंसाफ चाहिए। चले, पुलिस ने काम किया, FIR दर्ज की, मुलजिम को गिरफ्तार किया। जाहिर है आप लोग थाने कचहरी जाते हैं अभी भी? मैं जाती हूँ, अब 14 तारीख को ना इसके तारीख थी, 14 तारीख को आप जाए गई हैं, मतलब आपकी पेशी होगी फिर इस 14 को। तो ये कुछ मार के इसे फेंक गए। कैसे मारा है, वो क्या सिस्टम है? मैं सुनने में आ रहा है कि किसी ने हमला करवाया है, जानबूझ के किया, क्या कहानी है? पहले, उससे पहले भी एक साल पहले किया ना, इसकी टांग ये बिल्कुल ठीक थी, टांग बिल्कुल सही सी पुत्र, ए टांग एक खराब सी थी, एक सही सी, जो दूसरी वाली सही वाली थी वो भी ऐसे ही कर दी है सीधी। नहीं, कैसे ही कर दी है, मैं मुझे वो पूरी बात बताए। मारे थे ना होंडे पे आए थे मार, पिछली वाली बात बताए, होंडा पे कितने लोग आए थे? तो ही बाइक का नंबर शंबर याद है? भाग गए वो, मार के फेंक गया इन्होंने, फिर मुझे फोन किया, ये बाहर निकले हैं, जैसे ही तंदूर वाले को आए, वो कोने पे कर्नल पे तंदूर है, आए हैं मार के इसे फेंक गए, फिर इसने मुझे कॉल किया, मैं यहाँ बैठी थी, जैसे ही हम भाग के गए हैं भाई काफ़ी दूर, यहाँ से ला लो के 15-20 मिनट का रास्ता है, वहाँ पे ये गिरा हुआ है, उस घर से चल के गए हैं बिल्कुल ठीक ठाक, ठीक गए हैं। तो जब से अब जैसे हुआ है, गए कहाँ थे? ये गए हैं इधर अपनी बेटी को लेने। अच्छा, बेटी को लेने के लिए? हाँ। दूसरी बेटी को? हाँ, दूसरी बेटी को लेने गए हैं ना, तो तंदूर के पास खड़े हैं, वहाँ पे आए हैं, मार के फेंक गए हैं इसे, बाइक के ऊपर आए हैं। अच्छा, वो वाला केस आपने पुलिस को बताया, FIR कराई? आया मैंने, नाम क्या लेते हैं, मैंने ये नवा कोट थाना नहीं है, वहाँ पे मैंने दरखास्त दे के जमा करवाया था, वो भी केस सही, वो भी दर्ज है, ठीक है। अब ये निकला है दो चार, उस टाइम मुलजिम पकड़े गए थे? नहीं, मैंने नाम नहीं बताया।
नामजद नहीं किया, जाहिर आपको पता ही नहीं होगा। हाँ, नामजद नामालूम में वो केस जो है ना नामजद है। यानी कि मुलजिम नहीं पकड़े, पुलिस ने आपको बताया कि मुलजिम पकड़े? नहीं नहीं, यानी कि नहीं पकड़े। साल बता दें कौन सा था? साल कौन था? 2022। हाँ नहीं नहीं, जब ये हाँ एक्सीडेंट 2023 में हुआ था। 2023 से ये एक्सीडेंट हुआ, ये हमला करवाया गया, पुलिस ने मुलजिमों को नहीं पकड़ा। थाना है नवाकोट जहाँ पर ये FIR आपने दर्ज कराई। मुदैया है आप? मुदैया आप बनी? अब मैं बनी। फिर उसके बाद अब जो मामला हुआ इसका बताएं। अब जो मामला हुआ है, दो दिन हुए हैं या तीन दिन लगा लो, ये बाहर निकले 8 तारीख को, ये बाहर निकले हैं, निकल के अभी नीचे उतर के गए हैं, 5 मिनट बाद या 10 मिनट बाद ये हमला हो गया। 5 से 10 मिनट में ये हुआ है। कहाँ गए थे? गली में खड़े थे? कितने लोग आए? थोड़ा बहुत जाते हैं ना बाहर। ये निकले हैं, जैसे ही ये निकले हैं इसको मार के फेंका गया। 8 तारीख को तारीक थी इसकी कि ये तारीक पे ना जा सके। ये मतलब कि 14 तारीख को तारीक थी ना, 14 तारीख को जाना था, ऐसे ही फेंक देते हैं। फिर ये कहते हैं कि हमसे मिलो, बातचीत करो, और हमें इसका मामू कहता है कि मेरा नाम निकाल दो। काफ़ी लोग कहते हैं कि इनसे सुलह कर लो। मैं सुलह नहीं करना चाहती। पुत्र बेटी को ज़बा कर दिया। किसी के थ्रू फ़ोन कराएंगे? कोई ना कोई इसे फ़ोन करेगा, मैं बहुत ऐसे हूँ, मैं बहुत वैसे हूँ, कि मतलब कि तुम लोग इनको छोड़ दो। इधर उधर से कॉल्स करवाते हैं कि डील कर लो, बात खत्म करो। हाँ ये कहते हैं। पैसों की ऑफर भी कराते हैं? पुत्र पैसे हैं ना, मैं क्या करना है? नहीं वैसे कराते हैं, मैंने नाम के लेते करवाते हैं ऑफर, कई कहते हैं, लेकिन मैंने कहा नहीं, तू इन्ने पैसे सड़क को ले ला तो अपना कुछ कर लो। अच्छा मुझे बताएं, जब ये फौरन से नीचे गए हैं और फौरन हमला हो गया, तो भी होंडे पे ही आए थे? होंडे पे। कितने लोग थे? दो ही। होंडा मार के गए टांगों में? हाँ मार के सूट गए ने। एक सुनने में मोटा है और एक पतला है। कोई सीसीटीवी फुटेज हासिल की? कैमरा ही नहीं आया उसके पास। फिर आपने ये वाला मसला जो है वो पुलिस को बताया जा? नहीं ये मसला नहीं मैंने बताया। मेरे क्यों नहीं बताया? मेरे को नहीं जाया अंदर, तो मैंने अपने वकील को बता दिया था। मैंने ना वकील को फौरी फ़ोन करके ना बता दिया कि ऐसे ऐसे इस पर हमला हुआ। रिजवान मारा वकील, अच्छा लड़का है, उसे मैंने फौरी बता दिया था मेरा बेटा। ये बातें ना मैंने उसको बता दी थी। पुलिस आके मैं नहीं उन जा सकती, मेरे से हिम्मत नहीं गई मेरी थी ना, पता कि जगह है हिम्मत कुछ बात देगी। सही कह रही है, टूटनी बड़ी मुश्किल है। बस खुदा की कसम है, मैं ना झूठ नहीं बोलूंगी, वाकई मेरी बस हो गई, मेरी ये चीज काम नहीं करती। हम देखा कि मैटीरियल वाले दिल करते हुए उठा ही ना। गुजर बसर कैसे होता है घर का? हम तो बिल्कुल रह गया, हम तो असल में जड़ा ना बेकार ही है। ए मरीम नवाज से असते तां तेन पुत्र बुलाया कि कहंदी है ना मैं घर जाके सुननी है, तो फिर साड़ी भी सुने, तो पता तो फिर चले ना।